महिंद्रा अपनी फोर व्हील ड्राइव एसयूवी थार के 5-डोर वेरिएंट पर तो काम कर ही रही है, लेकिन अब इसके 3-डोर वेरिएंट के नए एंट्री लेवल वेरिएंट को स्पाई कर लिया गया और ये वेरिएंट एक रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट होने वाला है, जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप थार और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर महिंद्रा थार के नए वेरिएंट की स्पाइड मेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड मेज में आप इस नए वेरिएंट गियरबॉक्स और सेंटर कंसोल को देख सकते हैं, जहां इसका फोर व्हील ड्राइव वाला लीवर ही मिसिंग है, जो कि ये दर्शाता है कि महिंद्रा थार के टू व्हील ड्राइव वेरिएंट यानी कि रियर व्हील ड्राइव को भी लॉन्च करेगी और ये वेरिएंट्स थार के एंट्री लेवल वेरिएंट्स होंगे। चलिए दूसरी स्पाइड मेज की बात करते हैं। इस स्पाइड मेज में आप नए वेरिएंट के एक सीरीज को देख सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फोर व्हील थार के टॉप एंड वेरिएंट के जैसे ही हैं, जहां आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स और फ्रंट फॉग लैंप्स वाले फीचर्स मिलेंगे ही। और ये वेरिएंट हार्ड टॉप वाला था, सिर्फ इसका फ्रंट ग्रिल डिफरेंट है। जो स्टैंडर्ड फोर व्हील ड्राइव थार में ग्रिल मिलती है उससे अलग ग्रिल वेरिएंट में ऑफर की जाएगी आपको। तो ये तो होगी थार टू व्हील ड्राइव वेरिएंट की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। इस नई थार में हमें 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 120 पीएस की पीक पावर और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। तो ये तो होगी थार टू व्हील ड्राइव वेरिएंट के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस थार में हमें सेम ही फीचर्स मिलेंगे जो कि हमें फोर व्हील ड्राइव थार में मिलते हैं। तो ये तो होगी थार टू व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। महिंद्रा इस नई थार को 10 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च कुछ ही दिनों में है, और लॉन्च होने के बाद ये फोर्स गुरखा और अपकमिंग मारुति सुजुकी जिम्नी जैसी एसयूवीज के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग महिंद्रा थार टू व्हील ड्राइव वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।